हे आर्टिस्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू सिंह आर्ट। तो फ्रेंड्स, ये रियलिस्टिक ड्राइंग का लेसन 6 है और आज आप इस लेसन में सीखेंगे कि आप ऑब्जेक्ट की लाइट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इससे पिछले लेसन में मैंने आपको सिखाया था कि आपको पेंसिल किस तरह होल्ड करनी होती है, तो अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। पहले वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल आई सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देखती है, लेकिन एक आर्टिस्ट को लाइट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि कहाँ लाइट ज़्यादा पड़ रही है और कहाँ कम, और कहाँ पर शेडो है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मान लो एक गोला है, ये एक गोला है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको बना रहे हो। तो मान लो इधर से लाइट मारी मैंने, यहाँ से ये कोई लाइट सोर्स है, तो ये जो एरिया होगा, इतना एरिया ये हो जाएगा हाईलाइट। इस एरिया को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस पेपर को कोरा छोड़ देना होता है, दैट्स इट, ये हाईलाइट खुद हो जाता है। अब ये तो बात हो गई हाईलाइट की, यहाँ पर लाइट पड़ रही है। अब लाइट जो यहाँ पर पड़ी, तो क्या होगा, जो लाइट होगी वो इसके आसपास जो होगा वो फैल जाएगी। तो मान लो इतने एरिया में ये जो है लाइट फैल गई, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा इतना, ये वाला एरिया, इसको हम कहेंगे हाफ टोन। ओके, ये जो हाफ टोन होगी ये इस हाईलाइट से दूर जाते जाते डार्क हो जाएगी। मान लो यहाँ पर कुछ इस तरह का है, इससे थोड़ा सा और डार्क होगा और इस जगह और ज़्यादा डार्क होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डार्क होगी। तो वो जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे कोर ऑफ द शैडो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कोर ऑफ द शैडो। ये जो कोर ऑफ द शैडो होता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को बनाने बहुत ही मदद करता है, क्योंकि इससे हमें हमारे ऑब्जेक्ट की जो शेप अलग दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D लुक देने के लिए। अब बात आती है कि जब लाइट हमने यहाँ से मारी इस ऑब्जेक्ट पर, तो लाइट सिर्फ यहाँ पर तो नहीं जाएगी, लाइट क्या होगा, इसके आसपास जो भी इसका जो सरफेस होगा वहाँ पर भी जाकर गिर जाएगी, जैसे यहाँ पर लाइट गिरी, ठीक है। और तो जो लाइट यहाँ पर गिरी वो यहाँ से सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी इस ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर जो लाइट आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक शेडो भी होगी, तो जो जब लाइट इधर से आ रही है तो इसकी जो शेडो होगी वो यहाँ पर कहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी शेडो बनेगी उसको हम बोलते हैं कास्ट ऑफ द शेडो। तो ये 5 तरह की लाइट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, हाईलाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, हाफ टोन, कोर ऑफ द शेडो, कास्ट ऑफ द शेडो, ठीक है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। जैसे ये एक बॉक्स है, इस पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लाइट पड़ रही है। तो ये तो हो गया हमारा हाइलाइटिंग पॉइंट। अब आप इसके चारों तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइट आ रही है, तो ये हो गई हमारी कौन सी लाइट, हाफ टोन, ये हाफ टोन हो गई, ठीक है। अब आप इस जगह देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा डार्क है, तो ये हमारा हो गया कोर ऑफ द शेडो। अब इसकी लाइट यहाँ पर पड़ रही है, देखिए ये लाइट पड़ रही है इस जगह, तो ये हो गया कास्ट ऑफ द शेडो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस जगह देखो, ये वाला एरिया थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट एरिया, ओके। तो इसी तरह से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है। कोई चिकनी चीज़ होती है तो उसमें आपको लाइट आसानी से दिख जाती है, लेकिन हाँ, अगर कोई रफ टेक्सचर की कोई सब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है कि हाँ, कोई आड़ी टेढ़ी सी शेप है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आपको शेडो वगैरह, लाइट वगैरह रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको सीखते जाएंगे कि कहाँ पर लाइट पड़ रही है, कहाँ पर हमें किस तरह से कहाँ शेडो बनानी है, कहाँ लाइट बनानी है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही था।
आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो बस आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।